हेलो राधे राधे। ये सुबह सुबह का टाइम है और 7 बज चुके हैं और मैं नहा भी चुकी हूँ। और आज मैं बनाऊंगी केले और पनीर के टेस्टी वाले पकोड़े, फलियार वाले। इस तरीके से पनीर और केले के पकोड़े आप नवरात्रि एकादशी में भी खा सकते हैं, बहुत ही टेस्टी लगते हैं और तेल भी बहुत कम लगता है। तो चलिए बनाना शुरू करते हैं। हेलो राधे राधे। आज मैं सिंगाड़े के आटे के टेस्टी वाले पकोड़े बनाना सिखाऊंगी, जिसके लिए मैंने पनीर के 2-3 स्लाइस ले लिए हैं और ये कच्चे केले और हरी मिर्ची डाल ली इसमें। और ये ले लिया है पकोड़े, मैं टेस्टी वाले पकोड़े बनाऊंगी। और ये नमक टेस्ट के अकॉर्डिंग, सिंधा नमक है। और ये सिंगाड़े काटता है। अब इसको मैं पानी में घोल लेती हूँ, उसके बाद दिखाती हूँ कैसे सिंगाड़े के पकोड़े बनाऊंगी। ये मैंने 8-10 काली मिर्ची को बारीक इसमें कूट लिया था कूटने वाले में, और इस घोल में डाल दिए और अच्छे से मिला लिया घोल को। और तवा गरम होने के लिए मैंने रख दिया था, और तवे पे मैं थोड़ा सा ही देसी घी लगाऊंगी और उसके बाद पकोड़े बनाऊंगी। लीजिए, तवे पे मैंने 1/2 टेबल स्पून घी लगा दिया। चारों तरफ अच्छे से फैलाना इसको। और ये मैं एक एक पीस केले के आटे में लपेट लपेट कर अच्छे से तवे के ऊपर रख दूंगी। घोल तो मैंने दोनों का इकट्ठा ही बनाया, लेकिन फिर भी अच्छे से सिंगाड़े का आटा लगाकर तवे पे रख दूंगी और बिल्कुल ही कम घी के पकोड़े बनकर तैयार हो जाएंगे। ज़्यादा तेल घी तो आजकल सभी को नुकसान करता है, लेकिन ये कम घी वाले पकोड़े फास्ट में बिल्कुल बेस्ट रहते हैं। अब इसके ऊपर से 1/2 टेबल स्पून घी और लगा दूंगी मैं, चारों तरफ अच्छे से फैलाकर। और इनको मैं एक एक करके पलट दूंगी। अब मैं चक्कू की हेल्प से इनको पलट दूंगी। अब थोड़ा सा घी और लगा दूंगी, 1/2 टेबल स्पून, और गैस को मैंने मीडियम किया हुआ है। अगर गैस ज़्यादा फुल कर दूंगी तो पकोड़े अच्छे नहीं बनेंगे, क्योंकि इसमें मैंने घी भी कम लगाया और गैस भी फुल कर दूंगी तो अच्छे से पकेंगे नहीं केले। और केले के पकोड़े बहुत ही टेस्टी लगते हैं, इस तरह बनाकर खाओगे तो।
लीजिए ये पकोड़े सिक चुके हैं दोनों साइड से और बहुत ही टेस्टी वाली खुशबू आ रही है। आप बिना फलियार के भी इसको बनाकर खा सकते हैं, बहुत ही हेल्दी टी टाइम स्नैक्स है ये। ये पकौड़े हल्के से कच्चे हैं, वैसे ये सिक चुके हैं लेकिन थोड़े थोड़े से मुझे कच्चे लग रहे हैं, तो इनको मैं एक बार 5 मिनट के लिए प्लेट से ढक दूँगी और उसके बाद दिखाती हूँ कितने टेस्टी वाले केले के पकौड़े बनकर तैयार हुए हैं। ये 5 मिनट हो गई है और मैं प्लेट हटाकर आपको दिखा देती हूँ और बिल्कुल टेस्टी वाले पकौड़े बनकर तैयार हो गए हैं। चलिए अब मैं आपको एक राउंड और बनाकर दिखा देती हूँ। फिर पहले वाले राउंड की तरह सिंगाड़े के आटे में अच्छे से केले के पीस को लपेट लपेट कर मैं तवे के ऊपर एक एक पीस करके जचा दूँगी। और इसी में पनीर के पीस भी हैं, उनको भी ऐसे ही लपेट लपेट के रख दूंगी। अब 1/2 टेबल स्पून घी लगा दूंगी मैं। अब इनको पलट दूंगी। ये एक एक पीस करके मैंने इन सब को पलट दिया है। और प्लेट से ढक दिया है। फिर 5 मिनट बाद मैं दिखाती हूँ कैसे टेस्टी वाले केले के पकौड़े बनकर तैयार हो जाएंगे। और उधर गैस पे चढ़ा दिया मैंने चाय। लीजिए 5 मिनट हो गए हैं, मैं प्लेट हटाकर दिखा देती हूँ कैसे टेस्टी वाले पकौड़े बनकर तैयार हुए। और प्लेट बहुत ज़्यादा गर्म है, अगर आपके पास नॉन स्टिक तवा तो आप उस पर भी बना सकते हैं। मैं बार बार चेक कर रही हूँ कि ये पक चुके हैं या नहीं।
हाँ तकरीबन पक ही चुके हैं, बस थोड़े से कच्चे हैं, हल्के हल्के से। हाँ केले के पकोड़े पक चुके हैं, बहुत ही टेस्टी वाले पकोड़े बनकर तैयार हुए हैं। लीजिए बहुत ही टेस्टी वाले केले और पनीर के सिंघाड़े के आटे के पकोड़े तैयार हैं। एक बार आप भी ज़रूर बना कर खाएँ, बिल्कुल ही कम घी लगा है। पलियार में वीर वैसे भी टी टाइम स्नैक्स बहुत ही अच्छा बना है। एक बार आप भी ज़रूर बना कर खाएँ, अपने दोस्तों को शेयर करें। मिलते हैं अगले वीडियो में नई रेसिपी या नई कोई आइडिया या नई कोई कुर्ती डिज़ाइन या कोई भोपाल की ड्रेस के साथ या नई कोई रेसिपी के साथ। राधे राधे।